आंखों की लोगों की बहुत सारे लोग अपनी गवाही देने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आज आंखों वालों के लिए यह प्रोफेटिक वर्ड है इन द नेम ऑफ जीसस। ये कितने समय से आपको प्रॉब्लम थी इनको? 5 महीने से, मतलब पानी आंख से निकलता और गिद संबंधी ऐसे जो जैसे पंजाबी बोलती गिद आना। हाँ, सुबह सुबह भी, सुबह भी आती कि रात को ही आती? आंखों में जख्म हो गए थे, जख्म सिस्टर का नाम परमजीत है और जे खन्ना चमारा के रहने वाले हैं और जे सिस्टर की गवाही जे बता रहे हैं कि 5 महीने हो गए थे इनकी आंखों के अंदर छोटे छोटे जख्म हो गए थे और जिसके कारण जे बता रहे कि काफ़ी परेशान थे, जे आंखों में ड्रॉप्स भी डाल रहे थे और जिसके कारण जे बता रहे कि मेडिसिन भी खा रहे थे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और जे बता रहे कि मेडिसिन भी खा रहे, ड्रॉप्स भी डाल रहे थे पर फिर भी आंखों से इतना पानी बहता था जिसके कारण जे काफ़ी परेशान थे और जे स्टिचिंग का काम भी करते थे और जे बता रहे कि इनको इस प्रॉब्लम के कारण जे बता रहे कि इनको धुंधला भी दिखाई देता था जिसके कारण जे काफ़ी परेशान थे 5 महीने से और जे बता रहे कि जैसे जे सिस्टर 26 जनवरी की मीटिंग में आए थे और प्रभु के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु के दास के द्वारा परफेक्टिक वर्ड्स आया कि जिनकी आंखों के प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की है तो उस समय इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया था और पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। आंखों की लोगों की बहुत सारे लोग अपनी गवाही देने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आज आंखों वालों के लिए यह प्रोफेटिक वर्ड है इन द नेम ऑफ जीसस। ये एक आपके लिए एक घोषणा, एक बड़ी आपके लोगों के लिए। मैं कहता हूं बहुत सारे लोग अपनी आंखों की गवाही देने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से और ये होगा। आप जितने भी जा रहे हो आप आगे आना, एक एक बंदा अपनी गवाही देगा यीशु मसीह के नाम से। मैं कहता हूं एक एक बंदा अपनी गवाही दे और जे बता रहे कि जैसे इन्होंने इस परफेक्टिक वर्ड को उस दिन रिसीव किया और जे बता रहे कि रिसीव करने के 3 दिन बाद ही परमेश्वर ने जो इनकी आंखों में जख्म थे वो सूखना शुरू हो गए और 3 दिन में ही परमेश्वर के सामने से परमेश्वर इनकी आंखों से जो जख्म थे बिल्कुल परमेश्वर ने अच्छे कर दिए। जो आंखों से पानी बहता था, ड्रॉप्स डाल रहे थे, मेडिसिन खा रहे थे, इन्होंने बिल्कुल बाद में मेडिसिन ही खाई, ना ही आंखों में ड्रॉप्स डाला और जो बता रहे कि आंखों से गिद्ध भी बहुत ज़्यादा आती थी और वो भी बंद हो गई और पानी बहना भी बंद हो गया और सच में 3 दिन में ही परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इनको फ्री कर दिया था और इस गवाही के लिए जो परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया। दुख दे में सुनो सुनो सुनो, ये कितनी तारीख की? ये 26 जनवरी। ये स्पेशल खुदा ने ये प्रोफेटिक वर्ड दिया था कि जितने भी जाने और उस दिन बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, बहुत सारे लोग खड़े हुए थे इस बात के, इस वर्ड को सुनकर के हाँ हमारी भी प्रॉब्लम है। बोलो क्या है? ये हमारी भी प्रॉब्लम है पर जब उस वचन को हम दिल से नहीं ग्रहण करेंगे, और भी होंगे मुझे पता है, ऐसा नहीं है और नहीं होंगे, और भी होंगे, समझ आ रही है? और जब परमेश्वर वचन भेजता है तो वो व्यर्थ ठहर कर परमेश्वर का मेरे पास नहीं आएगा, अगर उसने भेजा तो वो काम करेगा। ये कितने समय से आपको प्रॉब्लम थी इनको? 5 महीने से, मतलब पानी आंख से निकलता और गिद 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 संबंधी ऐसे जो गिद जैसे पंजाबी बोलती गिद आना। हाँ, सुबह सुबह भी, सुबह भी आती कि रात को ही आती थी? अभी भी वो जो जख्म थे उनके दाग है पर वो अब खत्म हो गए पूरी तरह, जख्म हट गए देख लो, क्योंकि
सुनो, जब इनके ये जख्म थे तो उन्होंने डॉक्टर को जब चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कहा आपकी आंखों में जख्म है, पर इन्हें उस समय नजर नहीं आ रहे थे। अगर ये शीशे में देखते तो इन्हें नहीं पता, पर जैसे जिस दिन ये प्रोफेटिक वर्ड को इन्होंने रिसीव किया, ग्रहण किया और ये विश्वास किया कि हाँ परमेश्वर ये मेरे लिए है और धन्यवाद किया, बोलो क्या किया, 3 दिन के बाद ही परमेश्वर ने क्या कर दिया। तब 3 दिन के बाद जब ये अच्छे हुए, तब इन्होंने जब जब दोबारा देखा तो वो फिर जब जख्म अच्छे हो गए तब इन्हें शीशे में नजर आ रहे कि अब उनके दाग नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जख्म सूख गए। ये छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है, आंखों में जख्म हो जाना, पानी बहना और आंखों में वो गिद्ध आ जाना, हाँ ऐसे नहीं कि रात को, सुबह भी आ जाती थी, सुबह भी ना, क्या बोल रहे। देखो एक बंदा कितना परेशान होगा अगर आंखों में जख्म है, कुछ और प्रॉब्लम होगी, कल को बंदा अंधा भी हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर जख्म है तो कुछ और प्रॉब्लम बढ़ जाए तो उसकी आंख भी अंधी हो सकती कि नहीं है। पर जिस खुदावंत पर आप विश्वास करते हैं वो आपको बचाने वाला परमेश्वर, हाँ ये छोटी गवाही नहीं है, बोलो क्या है, ये खुदावंत ने बड़ा काम किया है। और जितने भी लोग और हैं इस वर्ड को, जो प्रोफेटिक वर्ड खुदा ने आपको दिया है, धन्यवाद के बलिदान दो, आप ही गवाही देने वाले हो। मैंने कहा जितने आंखों के, जितने भी रोगी हैं, जितने भी आंखों की प्रॉब्लम है, ये प्रोफेटिक वर्ड था उस दिन आंखों वालों लोगों के लिए। तो इसलिए आप भी धन्यवाद करो, अगर उसने वचन दिया है तो ये आपके जीवन में पूरा होगा, जैसे इनके साथ हुआ है। क्या हुआ है? जैसे इनके साथ हुआ है। इसलिए ये छोटी गवाही नहीं है, तारीफ कर दो, अपने हाथों को उठाकर जोर से तारीफ। हम जाते ने तूफान जदो यीशु बोलता, 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 वो ना सी जंदा शैतान जदो यीशु बोलता, ना सी जंदा शैतान जदो यीशु बोलता, हम जाते ने तूफान जदो यीशु बोलता। आप भी किसी दुख, परेशानी या हालात में हो, या दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो, तो ये हमारे चर्च का एड्रेस है और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो। आमेन।